निकाह फिल्म में एक गीत है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। गीतकार हसन कमाल की ये लाइनें हैं। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ये हम क्यों सुना रहे हैं। हम आपको ये इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसा ही हुआ है कुछ नेताओं के साथ जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए थे। इस लिस्ट में अग्रणी है सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो चुनाव से एक महीना पहले बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। खुद को नेवला बताया था और बीजेपी को सांप बताया था, लेकिन दांव उल्टा पड़ा। स्वामी जी चले थे बीजेपी को सबक सिखाने, लेकिन जनता ने उन्हीं को सबक सिखा दिया। इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी खुद की सीट नहीं बचा पाए और हाल ये हुआ कि खुद तो डूबे सनम, पार्टी को भी ले डूबे। वहीं तमाम दावे और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन तमाम मुद्दों के साथ सियासी अखाड़े में उतरे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद तो चुनाव जीत गए, लेकिन पार्टी चुनाव हार गई। तमाम राजनीति विश्लेषक अखिलेश के रैली की भीड़ देखकर ये दावे कर रहे थे कि इस बार कुछ उलट फेर होने वाला है, लेकिन हुआ वही जो जनता को मंजूर था। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर कामयाब हुए और दिल्ली पर दावेदारी पेश करने के लिए अपने रास्ते मजबूत किए। विपक्ष के तमाम मुद्दे धरे के धरे रह गए और बाबा जी सबको चौंकाते हुए एक बार फिर सीएम की कुर्सी पर काबिज हो गए। बीजेपी को 255 सीटें मिली और बीजेपी के सहयोगियों जिनमें अपना दल को 12 और निषाद पार्टी को 6 सीटें मिली, यानी बीजेपी गठबंधन को कुल 273 सीटें मिली। वहीं सपा गठबंधन को 125 सीटें मिल पाई। 2017 के आंकड़ों को देखा जाए तो सपा ने 2017 से बेहतर प्रदर्शन 2022 के इस चुनाव में किया, लेकिन सीटों के मामले में सपा बीजेपी के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को यूपी की राजनीति के इतिहास में इतनी कम सीटें पहली बार मिली है, सिर्फ 2 सीटें ही मिल पाई कांग्रेस को इस चुनाव में। लग रहा था कि प्रियंका गांधी नए उमंग के साथ आई हैं कांग्रेस में प्राण फूंकने के लिए, लेकिन हुआ कुछ और। जो 7 सीटें कांग्रेस के पास थी वो भी चली गई। बीएसपी को सिर्फ 1 सीट मिल पाई। 2022 विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर ये हुआ कि सिरातू से अनुप्रिया पटेल की सगी बहन पल्लवी पटेल ने यूपी बीजेपी के कद्दावर नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया। ओम प्रकाश राजभर तमाम दावे कर रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी गिरते पड़ते 8 सीटें निकाल ही ली। ओवैसी को यूपी में कुछ नहीं मिला। फिलहाल यूपी में जिसको जो मिला उससे संतुष्ट है, लेकिन जो लोग दल बदल के गए थे उनकी हालत खराब दिखी। बाकी राजनीति है, सब चलता है। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपुर टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, डेली हंट, रॉक टीवी, एमएक्स प्लेयर, i2i, ईबाबा, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, आईपीटीवी गैलेक्सी, फास्ट अवे, आईपीटीवी और रॉक क्यू टीवी पर।